हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फूड जोन हर्षिता वलेजा में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग स्प्राउटेड मूंग का पोहा, जो कि बहुत ही हेल्दी है, साथ ही साथ खाने में बहुत यम्मी है। इसे बनाना बहुत आसान है दोस्तों, और बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्प्राउटेड मूंग पोहा बनाने के लिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मूंग बीन्स में काफ़ी सारे तत्व होते हैं। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सो हमें चाहिए एक बाउल स्प्राउटेड मूंग चाहिए। मैंने वहाँ पर जितना हम मूंग लेंगे उसका डबल हम पोहा लेंगे, और एक चम्मच राई है यहाँ पर, नमक है टेस्ट के अनुसार, और हम यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ लेंगे। इन सभी चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं पोहा बनाने के लिए। तो हम पैन लेंगे, पैन में तेल गरम करने के लिए डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल लिया हुआ, ज़्यादा भी तेल मत लीजिए, 2 चम्मच तेल लीजिए। जैसे ही तेल गरम होगा हम उसमें डालेंगे हमारी जो राई है वो 1 चम्मच राई डालेंगे। राई जब फूटने लगे तब हम उसमें ऐड करेंगे हमारे बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक। दोस्तों, आप यहाँ पर अनियन यूज़ कर सकते हैं, बट अनियन अगर आप डालेंगे तो उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। सो आप यहाँ पर सिर्फ लहसुन और हरी मिर्ची डालकर इस पोहे को बनाइएगा, और कड़ी पत्ता आप डालिए और इसे हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे स्प्राउटेड मूंग। ये बहुत ही डिफरेंट वे से पोहा है, इतना टेस्टी है कि आप इसे लंच बॉक्स में लेके जाइए, आप बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके डब्बे में दीजिए, डेफिनेटली लाइक करेंगे। हल्का सा अपने यहाँ नमक ऐड कर दीजिए, ज़्यादा मत ऐड करिए, हल्का सा नमक ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर गैस को आप स्लो करके ही थोड़ा टाइम पकाइए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, जब तक ये इसके अंदर का कच्चापन नहीं निकल जाए, हल्का सा ये कलर छोड़ दे तब तक पकाना है। अब हमने यहाँ पर जो हमारे पोहे लिए थे उसे वॉश कर लिए हैं, उसमें हम ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालेंगे, आधा नींबू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। इस तरह से अगर आप पोहा बनाएंगे दोस्तों, ये बहुत खाने में यम्मी लगता है। स्प्राउटेड मूंग डायबिटीज़ पेशेंट हो या जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो स्प्राउटेड मूंग तो खाना ही चाहिए। इससे वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। आप देख सकते हैं जो मूंग का कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, फिर भी हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे 1 मिनट और। अब देखो कलर कितना अच्छा आ गया है। अब ये स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पोहे रखे थे हमने भीगने के लिए, वो पोहे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे। नमक आप अंदाज के हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने जब मूंग फ्राई कर रहे थे तब हमने वहाँ पर भी नमक ऐड किया था। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से पोहा बना के आप खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पोहा भी बहुत ही पौष्टिक होता है और हेल्दी होता है, उसके साथ में अगर आप स्प्राउटेड मूंग डाल दें। मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना हल्दी ऐड किया हुआ है, ना कुछ ऐड किया हुआ है, एकदम सिंपल तरीके से पोहा बनाया हुआ है। आप इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ग्रीन कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना बहुत पसंद है। ये रेसिपी मैंने मेरी मॉम से सीखी हुई है, मेरी फेवरेट पोहा रेसिपी है। सो आप इसे बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इसे बनाएंगे खाएंगे तो लोग ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। पोहा हमारा रेडी है और आप इसे नींबू के साथ में सर्व करें। अब मिलते हैं हम अपने अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।